हिम्मत मत हारना, डर लगता है तो उमरान मलिक की कहानी सुन लेना। भारत के गांव में मिलती है योग्यता, दुनिया से कहना उमरान आने वाला है। पिता फल बेचते हैं, परिवार गरीबी में है, लेकिन बेटा तो कमाल का निकला। विशाल चट्टानों के सामने तिनके की क्या हैसियत होती है, अगर योग्यता हो तो उन चट्टानों से कह देना, एक तिनका सा तूफान आएगा और सारे चट्टानों को अपने साथ लेकर उड़ जाएगा। न पैरवी न जुगाड़, हिंदुस्तान में चलेगी तो सिर्फ योग्यता की रफ्तार। ये है उमरान मलिक। 22 साल के उमरान मलिक भी कई बार अपने पिता के साथ फल की दुकान पर बैठते थे। लोग कहते थे ये क्या करेगा, क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दो और पिता के काम में हाथ बटाओ। लेकिन योग्यता की किस्मत नहीं होती, वो लड़कर लड़ाई जीत कर आता है, तभी तो कोई इस दुनिया में योद्धा कहलाता है। 22 साल के उमरान के सामने धोनी भी सिर झुका देते हैं, सुनील गावस्कर खड़े होकर ताली बजाते हैं, दुनिया के महान से महान क्रिकेटर भी उमरान के बारे में लिखते हैं, कहते हैं ये भारत की नई खोज है, फल वाले पिता ने हिंदुस्तान को हीरा दिया है। दरअसल उमरान मलिक चर्चा में तब आए जब उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंक दी, जूते उधार लेकर पहने और रेत पर दौड़े, न जिम जाने का पैसा न उमरान का कोई कोच था, फिर भी भारत के इतिहास में उमरान मलिक ने सबसे तेज गेंद फेंकी है। गेंद की रफ्तार थी 154 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में ज्यादातर गेंदबाजों की औसतन रफ्तार 128 से 135 तक ही रहती है, फिर उमरान ने ऐसा कैसे किया। 2017 में पहली बार उन्होंने गेंद पकड़ी, बचपन में कभी नहीं खेला, फिर भी योग्यता ऐसी, एक साल में ही मौका मिल गया। आईपीएल में एंट्री हुई 2018 में, लेकिन पहचान 2022 में मिली जब टीम में मौका मिला, उन्होंने सबसे तेज गेंद फेंक दी। आज से 10 साल पहले जम्मू के एक चौराहे पर फल की दुकान से ही उमरान मलिक की शुरुआत होती है। पिता के साथ वो दुकान पर बैठते और फिर प्रैक्टिस के लिए मोहल्ले में गेंद फेंकते। जब उमरान की उम्र 17 साल थी तब वो मोहल्ला टूर्नामेंट में गेंद फेंकता था और सपने देखता था एक दिन हिंदुस्तान के लिए भी गेंद फेंकेगा। 22 साल के तूफानी गेंदबाज ने बचपन से क्रिकेट नहीं खेला, 17 साल की उम्र में उसने पहली बार लेदर बॉल से गेंद फेंकी और वहीं से उसकी किस्मत की कहानी शुरू होने लगी। आपको कुछ किस्सा सुनाते हैं। साल 2017 में जम्मू कश्मीर के मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम में उमरान जाने माने स्थानीय कोच रणधीर मनहास के पास पहुंचे। उस समय नेट्स में राज्य के अनुभवी बल्लेबाज जतिन वाधवन बैटिंग कर रहे थे। उमरान ने रणधीर से कहा, सर क्या आप मुझे गेंद डालने देंगे। काफी मान मनोवल के बाद रणधीर मनहास ने उन्हें बॉल डालने की इजाजत दे दी। उमरान ने उस दिन बगैर जूते के बॉलिंग करते हुए जतिन वाधवन को चारों खाने चित कर दिया। उमरान के टैलेंट को देखकर रणधीर मनहास काफी प्रभावित हुए। उमरान घर लौट आया लेकिन रणधीर सो नहीं पाए। वो सीनियर क्रिकेटर्स को फोन लगाने लगे, मिलने लगे और वो सबसे एक ही बात कहते, उन्होंने भारत का तूफान खोज लिया है। देखने वाले पहले ही कह देते थे, जिस दिन तुम देश के लिए खेलोगे उस दिन तुम्हारे सामने कोई बल्लेबाज नहीं टिकेगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कोच रणधीर मनहास एक चैनल से बातचीत में कहते हैं, मैंने उससे कहा कि उमरान जिस दिन तुम राष्ट्रीय स्तर पर खेलोगे तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए गंभीर रहो। मैंने उसे अंडर 19 ट्रेनिंग के लिए भेजा जहां उसने जूते उधार लेते हुए गेंदबाजी की। सनराइजर्स हैदराबाद में प्रवेश करने से पहले वो कभी जिम नहीं गए। उमरान का घर तवी नदी के पास है और नदी के किनारे का आसपास का क्षेत्र मुख्य रूप से रेतीला है। उमरान रेतीले मैदानों पर दौड़ते हुए और क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं। फिलहाल आज भी उमरान मलिक के पिता जम्मू में फल की दुकान लगाते हैं। उमरान दुनिया भर में पहचान बना रहे हैं, उसी जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रहे हैं जहां से हमेशा बुरी खबरें ही आती रहती हैं। उमरान जैसे हमारे समाज में कई और योग्य लड़के हैं जिनकी पहचान जरूरी है। छोटे छोटे गांव से निकले भारत के योग्य लड़कों ने इतिहास लिखा है। नेता हो या वैज्ञानिक, क्रिकेटर हो या फिर हीरो, छोटे छोटे गांव से आकर ही सबका दिल जीत लेता है। यही भारत है, यही लोकतंत्र है, यही उमरान की कहानी है और यही हमारे लिए नैतिक ज्ञान है कि हार कर रुकना नहीं है, हिम्मत से लड़ना जीत मिलेगी, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। स्पेशल डेस्क, ग्लोबल भारत।